कभी कभी हमें फोन आते हैं और फोन अक्सर उन्हीं लोगों के आते हैं जो कि लोन के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं, जो महीने की मासिक किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं कि वकील साहब इश्यू ये है कि हमको लगातार एक वकील साहब का फोन आ रहा है और वो वकील साहब बोल रहे हैं कि मैं फलाना कोर्ट से बोल रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ 138 NI एक्ट का मैंने वारंट जारी करा दिया है, तुम लोन भर दो नहीं तो अभी के अभी मैं तुम्हारे घर पे पुलिस लेके आ रहा हूं, मैं तुम्हारे घर पे ताला लगा दूंगा, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वकील साहब बड़े ही अभद्र भाषा में फोन कर रहे हैं। तो मैं आज हमारे तमाम व्यूअर्स और दर्शकों को एक बात बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा और वो बात यह है कि वकील का काम कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना है। वकील साहब आपको फोन करके डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, वो अपना पेन उठाएंगे, वो एक कागज पे साइन करेंगे और आपके घर पे रजिस्टर्ड नोटिस भेजेंगे। आपने नोटिस की पालना नहीं की तो वह कोर्ट में केस फाइल करेंगे और कोर्ट का नोटिस आपके घर पे आएगा। लेकिन यदि आपको कोई वकील के नाम से धमका रहा है, मर्यादित बात करें, आपसे सम्मान बात करें, कोई इश्यू नहीं, लेकिन कोई वकील के नाम से यदि आपको डराता है, धमकाता है, पुलिस की धमकी देता है, तो उनको बोल देना कि आप वकील हो ही नहीं सकते। यदि आप वकील हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप कौन सी बार से रजिस्टर्ड हो, कृपया हमें जानकारी दीजिए। यकीन मानिए कि उस सामने वाले फर्जी वकील की के मुंह पे ताला लग जाएगा, चू नहीं निकलेगी। यदि आपको कोई भी वकील के नाम पे डराता है, धमकाता है, तो आपको सीधा पूछना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जिसको हम एनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं, कौन सी बार से रजिस्टर्ड है, कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे पुलिस का फोन आए चाहे वकील का फोन आए, पूछना आपका अधिकार है। और जब आप ऐसा पूछोगे ना तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और यदि वह कोई झूठ मूठ का आपको नंबर दे देते हैं तो मैं बताता हूं आपको कि इंडिया के अंदर जितनी भी बार काउंसिल स्टेट लेवल है, सभी की साइट्स पे उस एनरोलमेंट नंबर के साथ आप उन एडवोकेट को सर्च कर सकते हो। और यदि वास्तव में वह नंबर उस व्यक्ति के नाम से मैच खाता है और अगर वो आपको धमकाते हैं तो आप स्टेट बार काउंसिल को उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि एक वकील कभी भी किसी कंपनी का एजेंट या दलाल बनकर आपको फोन नहीं करेगा, नहीं डराएगा, नहीं धमकाएगा। वकील एक नोबल प्रोफेशन जॉब है, एक नोबल प्रोफेशन है जिसका काम रिकवरी एजेंट का नहीं है। वह कानून में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिविल कार्रवाई को संस्थित करेगा, क्रिमिनल कार्रवाई को संस्थित करेगा और उसी के अनुरूप काम करेगा। तो लगभग ये जो कॉल आते हैं ना, ये सारे फर्जी लोग होते हैं जो अपने ट्रू कॉलर पर झूठा एडवोकेट का मोनो लगाते हैं, झूठे नाम लिखते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आपको भी कोई वकील के नाम से धमका रहा है तो ये वीडियो उनके नंबर पे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी तो सुने कि फर्जी वकील और असली वकील में अंतर क्या होता है। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि कोई भी वकील कभी लोन के नाम पर रिकवरी एजेंट का काम नहीं करता है। ये बात अलग है कि कुछ कंपनियां लो ग्रेजुएट को अपने यहां जॉब पे रखती है और उन्हें टारगेट देती है रिकवरी का, कि वह अपने आप को लो ग्रेजुएट बताते हुए, लॉयर बताते हुए राशि की वसूली करे। लेकिन ध्यान रखें, लॉयर और एडवोकेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। लॉयर वह व्यक्ति होता है जो केवल लो ग्रेजुएट होता है, लेकिन एडवोकेट वो होता है जो स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, जो पक्षकारों की ओर से पैर भी करता है और जिसको वकालतनामे पे साइन करने का पावर मिलता है। तो फर्जी वकीलों से रहे सावधान, और ऐसा कॉल आए तो उन्हें केवल इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ हमारी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।